किस प्राइस पे आपने उठाई गाड़ी भाई? ये ली थी करीब 5.5-6 लाख। 5.5-6 लाख रुपए में? ये देखो भाई, फुल लग्जरी गाड़ी भाई, है भाई। वेंटिलेटेड सीट है पीछे वाली। हाँ, चार वेंटिलेटर। आप एक भाई, इतनी क्लियर ऑडियो स्टॉक सिस्टम में मैंने पहली बार सुनी है। इससे बेहतर ऑडियो नहीं हो सकती स्टॉक क्वालिटी में। काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है भाई। ये दिखाना जरा। तो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेम में खड़ी हैं 4-5 गाड़ियाँ। अपनी भाई किया हो गई, अपनी भाई होंडा हो गई, वॉक्सवैगन हो गई, पीछे वरना टर्बो हो गई। लेकिन भाई इन सब के बीच में आपकी नज़र जाएगी इस गाड़ी के ऊपर। भाई अपने सामने आप देख पा रहे हो गए हुंडई भाई सोनाटा गाड़ी, हुंडई की सोनाटा। भाई ये जो गाड़ी है ना, ये अपनी भाई होंडा एकॉर्ड, ठीक है भाई, इन सब के साथ भाई कम्पीट करती है गाड़ी। हुंडई की तरफ से आने वाली काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है ये, ठीक है। अपनी जैसे वरना हो गई, उसके बाद अपनी क्रेटा हो गई, भाई उन सबसे ऊपर की भाई सेगमेंट की गाड़ी है ये। प्रॉपर अपनी प्रीमियम गाड़ी है और ये भाई हुंडई की काफ़ी पहले से आ रही है। इसका लगभग 3rd या 4th जनरेशन होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। बाकी आप भाई एक बार गाड़ी की लुक देखो भाई, यहाँ पर भाई एक बार लेंथ देख सकते हो आप गाड़ी की, कितनी ज़्यादा लेंथ है भाई। प्रॉपर प्रीमियम गाड़ी है भाई, जैसे भाई होंडा की सिविक वगैरह हो गई, एकॉर्ड हो गई, भाई उन सब लेवल की गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर भाई देख सकते हो आप 2014 मॉडल गाड़ी खड़ी हुई आपके सामने। और भाई इसकी इंजन की स्पेसिफिकेशन मैं बताऊंगा ना, आपका भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई। 2400 cc नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है इसके अंदर और लगभग 200 हॉर्स पावर निकालती है गाड़ी और 255 Nm का टॉर्क। लगभग बात करें भाई तो सामने जो वरना टर्बो खड़ी है ना, इससे भी ज़्यादा पावर निकाल रही है गाड़ी, और वो भाई NA इंजन के साथ। तो जो भाई गाड़ी के ओनर हैं उन्होंने भाई सेकेंड हैंड परचेज करी हुई है, और लगभग ये मॉडल तो 2014 का है, बट भाई ने लगभग 2020-2021 में खरीदी थी ये गाड़ी। तो इसकी एक बार भाई कंडीशन देख सकते हो, वैसे तो हल्की फुल्की थोड़ी बम्पर पर डेंटिंग वगैरह हो रखी है, लेकिन भाई उसके बावजूद गाड़ी की ज़्यादा कितनी। तो चलो एक बार फ्रंट से स्टार्ट करते हैं भाई। एक बार भाई इसकी गाड़ी की हेडलाइट जो भाई प्रोजेक्टर, आपको यहाँ पर हेडलाइट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर ग्रिल की बात करें भाई, एकदम कैमरी टाइप ऐसा लग रहा है कि भाई काफ़ी प्रीमियम गाड़ी भाई। मैं भाई डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, आप भाई खुद ही लुक देखो इसके। नीचे की तरफ आपको प्रॉपर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको ये देखो भाई हेडलाइट वॉशर भी मिल जाता है आपको यहाँ पे। तो ये भाई प्रीमियमनेस भाई बरकरार रखी हुई है। और ग्रिल थोड़ी बहुत भाई लगभग इसका थोड़े रस्टिंग सी हो चुकी है, बट उसके बावजूद ही गाड़ी की ब्लैक कलर में भाई हुंडई आप जानते हो ब्लैक कलर में कितना तक क्लीन लुक है। साइड प्रोफाइल से बात करें तो यहाँ पर भाई टायर स्पेक्स की बात करें एक बार, तो 225/50R17 इंची का हमको अलॉय मिलता है इसमें। और यहाँ से भाई देखो शेप देखो यार भाई कार की, आप कितनी ज़्यादा भाई मज़ेदार गाड़ी है, मेरे को देख के दिल खुश हो गया भाई। साइड मिरर पर इंडिकेटर वगैरह रिक्वेस्ट सर आपको मिल ही जाता है, हालांकि सनरूफ मैं नहीं देख पा रहा हूँ इस मॉडल में। तो एक बार ओनर से पूछेंगे कौन सा क्या एग्जैक्ट मॉडल है। पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको जैसे पुरानी वरना देखने को मिलती थी ना, उसी के लगभग अगर आप हेडलाइट एक्सटेंड कर दोगे तो कुछ ऐसी लुक बन जाएगी। तो यहाँ पे भाई बैचिंग दे रखी है GDI की, GDI मोटर पर रन करता है अपना। और यहाँ पे हमको डुअल एग्जॉस्ट भी मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। चलो भाई एक बार भाई ओनर से मिलके बात करते हैं क्या कैसे यूज़ कर रहे हैं। जेट ब्लैक अपनी गाड़ी हो रखी है प्रॉपर क्लीन। तो भाई गाड़ी के ओनर आ चुके हैं सौरभ भाई फ्रोंक्स की, भाई ट्रैक रेसेस आप इनको देख चुके हो काफ़ी ज़्यादा, तो उन्हीं की एक गाड़ी भाई अपनी सोनाटा ओन करते हैं। तो भाई कब आपने खरीदी थी गाड़ी, मेरे को एक बात बताओ? ये 2 साल पहले ली थी। 2 साल पहले लगभग 2021-2020 में। किस प्राइस पे आपने उठाई गाड़ी भाई? ये ली थी करीब 5.5-6 लाख। 5.5-6 लाख भाई, 5.5-6 लाख रुपए में इतनी प्रीमियम गाड़ी मिल गई आपको? हाँ। तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात होगी एकदम, ठीक है। कंडीशन भी भाई बिल्कुल ठीक। कितनी चली हुई थी तब? तब चली हुई थी मेरे ख्याल में 42-40। अच्छा, तो ज्यादा चली भी नहीं हुई थी। अब कितनी चला दी आपने? अब भाई 56 करी होगी मेरी, ज्यादा नहीं चलाई मतलब आपने, ठीक है भाई। तो बात करें तो भाई इसका कैसे मतलब प्लान बना आपको, जैसे मिल गई डील में या कैसे? डील अच्छी मिल गई इस वजह से आप प्लान कर रहे थे कि सोनाटा लेनी है, कैसे? ऐसे सोनाटा का तो प्लान नहीं था भाई, कोई मतलब ऐसा था लग्जरी कोई हो। अच्छा, लग्जरी गाड़ी चाहिए, एक लेनी थी भाई, ठीक है भाई, ठीक लगे। हाँ मतलब इतनी तो रनिंग थी नहीं इसकी। अच्छा, बस एक मतलब है कि थोड़ा एक लग्जरी गाड़ी घर पे हो भाई, कहीं जाए तो भाई बढ़िया लगे गाड़ी ऐसे, ठीक है, समझ गया। सही है सही है, ढूंढ रहे थे तो भाई मिल गई थी, ठीक है। तो और भी कोई ऑप्शन देखे थे आपने भाई? लेंट्रा वगैरह देखी थी उस टाइम। अच्छा, बाकी ओडी वगैरह का मन नहीं था उस टाइम भाई, क्योंकि अच्छा थोड़ा उनका मेंटेनेंस ज्यादा है, तो मेंटेनेंस ज्यादा चला जाता है। तो भाई मतलब आपने गाड़ी देखी, तो भाई इसके कंपटीशन में अकॉर्ड वगैरह नहीं देखी आपने? अकॉर्ड आती थी, सिविक वगैरह पुरानी हो गई थी जब। अच्छा, सिविक तो फिर अच्छी कंडीशन में नहीं मिली आपको इतनी, ठीक है भाई। तो यार एक बार मैं इंटीरियर देख रहा, तो मैं वेट नहीं करना, मतलब वेट नहीं, आप आ जाओ एक बार। रीजन भाई इसका ये भी था लेने का, हाँ
बहुत कम दिखती है भाई गाड़ी है। और मतलब पुरानी वाली सोनाटा जो मतलब 2008 में आया करती थी, वो जिसकी मर्सिडीज वाली हेडलाइट होती थी, हाँ वो थोड़ी बहुत दिखती थी। लेकिन भाई ये गाड़ी भाई बहुत ज्यादा रेयर है मतलब एक तरीके से। ठीक है भाई, इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको भाई दो रिक्वेस्ट से देखने को मिलते हैं, तो भाई चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो भाई ये देखो इंटीरियर, देखो भाई थोड़ा मतलब गाड़ी भाई पुरानी हो चुकी है इसमें। यहाँ पे देखो भाई, ये देखो भाई आपको इलेक्ट्रिक सीट मिलती है, ड्राइवर पैसेंजर साइड में तो ड्राइवर में तो जरूर मिलती होगी। चलो भाई एक बार सारा बताते हैं। ये देखो भाई गाड़ी में बैठती हुई जेट ब्लैक गाड़ी हो रखी है इसकी। और यहाँ पे भाई मैं देख पा रहा हूँ एक स्क्रीन तो ये दे रखी है, ये भाई अपने बाहर से लगवाई है। तो मतलब इसमें पहले क्या था इसमें यहाँ पे? कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं था। ठीक है, कुछ टाइम पहले ही लगवा लिया। ठीक है भाई, एक बार इग्निशन इसका चालू कर दो, थोड़ा देखते हैं। तो भाई अब जैसे आगे तो भाई प्रीमियम देख ही पा रहे भाई, पीछे की बार प्रीमियम देखो। ये देखो भाई फुल लग्जरी गाड़ी है भाई, वेंटिलेटेड सीट है पीछे वाली। हां चारों वेंट। आप एक बार देखो पीछे क्या क्या फीचर है इसमें एक बार। ये देखो भाई वेंटिलेटेड सीट, म्यूजिक वगैरह यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें भी स्टोरेज स्पेस है शायद, इसमें कप होल्डर है। अच्छा ये देखो भाई, और यहाँ पे स्टोरेज है भाई। ये देखो प्रॉपर, अगर भाई किसी को लग्जरी गाड़ी की भाई फील चाहिए ना, आपने भाई लगभग 5 लाख रुपए में, 5.5 लाख रुपए में भाई साहब। और भाई चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, देखो आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में मिल जाता है। कितने स्पीड का है वो मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, आपको पता लग जाएगा। डुअल साइड आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी है मेरे हिसाब से इसमें, हाँ डुअल साइड ही है। हाँ देखो डुअल जोन इसमें मिल जाता है आपको। ये देखो भाई, ये अपनी भाई नॉर्मल अपनी जो स्क्रीन आती है कंपनी से, ये भाई ने अलग से स्विच लगवा रखी है मैप वगैरह देखने के लिए, इसमें सारा कुछ चल जाता है बढ़िया से। तो भाई एक बार एसी हल्का चला देते भाई, थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा कंट्रोल इसके कैसे, फैन स्पीड होगी इसकी, मोड चेंज करने के लिए। अच्छा अच्छा ये पैर पे करना है। अच्छा ये सारा इसमें ये बंदा ही बना है भाई, इस हिसाब से आप सेट कर लो इधर चाहिए किधर चाहिए। ये अपना डिफोगर वगैरह दे रखा है, अच्छे टेम्परेचर के लिए अलग नॉब दे रखा है इसे, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बाकी इसमें स्पीकर वगैरह कैसे हैं भाई? स्टॉक लगवा रखे हैं आपने? हाँ स्टॉक है भाई। अच्छा ठीक है ठीक है। तो भाई यहाँ पे वेंटिलेशन के एक आध जा रखे हैं, कौन से? तो यहाँ पे भाई जैसे देखो, ये देखो स्टोरेज स्पेस आपको हर जगह मिल जाएगी। थोड़ी वो है भाई गाड़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, थोड़ी भाई हल्की फुल्की क्लीनिंग वगैरह। हाँ ये देखो भाई प्रीमियमनेस भाई हर जगह है गाड़ी में। तो यहाँ पे एक बार भाई पैडल शिफ्टर भी दे रखे हैं भाई। ये भाई ह्यूंडई भाई गाड़ी इसने बनाई थी, लेकिन भाई इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो भाई मेरे हिसाब से। ये भाई मीटर कितना प्रीमियम है इसका? कितने के आती होगी लगभग? भाई 20-21 की थी, 20-22 की मतलब उस टाइम। यार लगभग आपने मतलब 25% प्राइस पे करके इसकी भाई खरीद ली आपने गाड़ी। पीछे भाई कंफर्ट कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया है। ठीक है भाई, तो भाई आपने 2 साल गाड़ी रखी तो लगभग आपने ज्यादा भी नहीं चलाई इसको, लगभग 10,000 ही चलाई आपने। तो सर्विस वगैरह आपने करवाई है बीच में? हाँ भाई करवाई थी। कितने की पड़ जाती है भाई सर्विस वगैरह? मतलब वही है, करीब हो जाएगी भाई 8-10 हज़ार की हो जाती है। 8-10 हज़ार की, मतलब वो ये सर्विस थोड़ी इसकी भी महंगी है वैसे बात करें, क्योंकि मतलब आपने चलाई भी ज्यादा नहीं है। हमने तो वैसे ही करवा ली थी भाई, मतलब अभी तक जो शुरू में ली थी ना, जब ही करवा दी थी कि एक बार वैसे खुद की संतुष्टि के लिए। अच्छा कि आते ही करवा दी। ठीक है ठीक है, फिर उसके बाद से नहीं हुई? हाँ। अच्छा वैसे थोड़ी कमी चलती है यहाँ पे। देखो ग्लव बॉक्स वगैरह भाई काफी सही मिल जाता है आपको। ठीक है भाई, तो एक बार थोड़ा इसको भाई चला के देखेंगे। आप एक काम करो साइड से ले लो थोड़ा, आप भाई चला के बता देना। ये देखो इसमें अपना डी भी मिल जाता है, और इसमें वो एम वाला भी है इसमें, हाँ प्लस माइनस वाला एम वाला भी। ये देखो भाई यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड भाई, ये देखो ये भाई ऑन होगी वेंटिलेटेड, हीटेड भी है हीटेड भाई हीटेड। जो फीचर अब की वरना में आ रहा है वो फीचर भाई ये कब से दे रहे हैं, 2014 उससे पहले से भी दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसमें भाई हमको 2400 cc का हमको एक पेट्रोल इंजन मिल जाता है, और उसमें भाई हमको 200 bhp निकाल देती है लगभग, और 200 हाँ 250 Nm का टॉर्क निकाल देते हैं। एक बार भाई थोड़ी खींच के देखो जरा गाड़ी एक बार में। भाई कहाँ कहाँ ले जाते हैं? लॉन्ग ट्रिप वगैरह पे ले जाते हो कहीं इसको? भाई लॉन्ग पे तो कहीं नहीं, लोकल में चलती है जो। अच्छा यहीं से ले लेना भाई, यहीं से उल्टी लेना वापस। थोड़ा इसका एक बार अच्छे से पिकअप लेके देखते हैं। शानदार, इसमें लग्जरी प्रीमियम गाड़ी है इसमें, तो भाई बेहतर होगी ही नो डाउट।
तो भाई परफॉर्मेंस भी भाई ओके लेवल है भाई परफॉर्मेंस। एक बार भाई इसकी थोड़ा करके देखेंगे ड्रैग वगैरह भी, उसे पता लग जाएगा। तो भाई बाकी आपका भाई क्या क्या कहना है, आपको भाई कैसी लगती है गाड़ी? बहुत बढ़िया लगती है, मजेदार। आप वैसे फ्रॉन्क्स वगैरह भी चलाते हो, तो उससे कंपेयर करें तो पिकअप कैसा है इसका? भाई पिकअप मतलब अच्छा है भाई, मतलब थोड़ा इसमें वेट ज्यादा है, बस ये है क्यों भाई, देखो वेट फील होता है भाई, हैवी गाड़ी इसके भाई, डोर्स वगैरह देखेंगे भाई, देखो प्रॉपर वेट है भाई इसमें, प्रॉपर वेट है। ये देखो थर्ड चुना, ये देखो इतना प्यारा थर्ड भाई, ऐसा थर्ड भाई मारुति नहीं दे सकती सच्ची बताओ। बाकी आपने देखो प्रीमियम बना ले भाई, हां बाकी आपने देखो यहां पे जेट गाड़ी है, तो भाई धूप वगैरह कहीं से नहीं आ रही, कोई पीछे ब्लाइंड्स नहीं देती शायद इसमें होंडे में, पीछे भी जेट है। अच्छा बाकी पीछे की तरफ स्पीकर दे रखा क्या ये? सबवूफर है, सबवूफर है नहीं पता भाई। चलो कोई नहीं, ये तो स्पीकर का ही है, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा जो भी रहेगा। यहाँ पे भी हल्की फुल्की स्टोरेज स्पेस वगैरह है इसमें, तो भाई ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रीमियम गाड़ी है, सेकंड हैंड मार्केट में भाई काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है। भाई ये दिखाना जरा, अरे भाई साहब ये क्या है भाई, एक बार भाई हटाते कैसे? ऐसे दबा के, दबा के हट गया और फिर से लगाना हो तो? लगाना हो तो यार, और इसका डेड पेडल वगैरह किधर है? अच्छा नीचे है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो सकता है। नहीं नहीं वो ऊपर आ जाएगा ना, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वैसे तो मतलब बंदा तो मतलब हटा के चलाएगा ना, ठीक बात है ठीक है यार, ये भी काफी यूनिक चीज। तो भाई उस तरफ मैं देख सकता हूँ भाई, मेमोरी वाली सीट्स मेमोरी फंक्शन है, इलेक्ट्रिक तो है ही, मेमोरी फंक्शन भी है, ठीक है भाई। तो एक बार हल्का सा एक स्टॉक ऑडियो एक बार सुना दो मेरे को इसकी, एनसीएस का कोई भी गाना। वाइपर भी भाई ऑटोमेटिक है भाई, फीचर मेरे हिसाब से उसके बहुत सारे होंगे। अभी हम भाई ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, तो व्हाइट वाली है इसमें या येलो वाली है? लाइट इसमें भाई जो लो बीम वाली है ना, हाँ। वो तो व्हाइट वाली है। अच्छा हाई बीम पुरानी उसमें बल्ब है शायद, ठीक है। हाई बीम है वो येलो है। अच्छा अच्छा भाई काफी बढ़िया है, कुछ इस प्रकार की आपको चाबी देखने को मिल जाती है, अपना पुश स्टार्ट मिल जाता है अपने आप। चलो भाई ऑडियो सुनते हैं बारिश का। ऑडियो आपने स्टॉक रखा है, कुछ नहीं छिड़वाया ना भाई, बाकी आपने ये थोड़ा लगवा रखा था, हो सकता है आउटपुट में थोड़ा बेटर हो सकता है। नहीं भाई इससे तो खराब है, इसमें तो वो खराब है आउटपुट। अच्छा अच्छा ब्लूटूथ से ही ठीक है भाई, ब्लूटूथ पे करना भाई, कर दिया कर दिया। उधर से आवाज बढ़ा, इतनी क्लियर ऑडियो स्टॉक सिस्टम में मैंने पहली बार सुनी है, इससे बेहतर ऑडियो नहीं हो सकती स्टॉक। यहाँ पे ट्विटर दे रखे प्लेसमेंट और यहाँ पे स्पीकर थोड़े अपलिफ्टेड हैं, लेकिन भाई एक नंबर साउंड सिस्टम, क्वालिटी थी उस टाइम भाई बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी भाई, हुंडई भाई ये गाड़ी भाई आपने बहुत अच्छी बनाई, बहुत तारीफ करनी पड़ेगी भाई। हर एक चीज की फिटमेंट भाई, आगे उसमें वो है हाइड्रोलिक्स है बोनेट में भी। अच्छा जी, अरे भाई एक बार भाई चलो बोनेट भी देखते हैं एक बार, चलो बाहर से बात कर लेते हैं। ये देखो भाई, अच्छा वैसे बट इसमें आते हैं। अच्छा अच्छा वैसे नीचे ही आएगा ये, इसमें वो नहीं वैसे नहीं है, स्टिक नहीं है इसमें। कोई स्टिक नहीं। अच्छा अच्छा चलो, वैसे इसका तो भाई मोटा खर्चा आ जाएगा अगर इसको ठीक कराएंगे तो। चलो कोई नहीं, ये तो भाई इतनी जरूरत नहीं है, जी डी आई मोटर यहाँ पे एक नंबर पे, कर दो भाई बंद कर दो इसको भाई। बूट स्पेस यहाँ पे देखे तो खुल नहीं रही, लॉक कर दी क्या? अनलॉक कर ले। ये देखो भाई बूट स्पेस, अरे भाई साहब। तो भाई बूट स्पेस भी मैं डाल दूंगा आपका यहाँ पे स्क्रीन पे, इसका भाई अलॉय इसका, ये देखो भाई अलॉय ही है भाई इसमें, इसमें स्पेयर व्हील भी अलॉय देते हैं।
तो यार यहाँ पे देखो भाई ये पैडिंग वगैरह सारा भाई एक नंबर सिस्टम। और यहाँ पे आप एंटीना नहीं देख पाओगे क्योंकि भाई इसका एंटीना यहाँ पे है भाई, यहाँ पे इसका एंटीना। तो भाई एक नंबर गाड़ी भाई, मज़ा आ गया भाई देख के। तो भाई अगर आप इस गाड़ी के बूट स्पेस हमने दिखाया, अगर आप टैंक कैपेसिटी की बात करें तो लगभग श्योर नहीं हूँ मैं, 80-90 के अराउंड 80-90 लीटर इसमें आ जाता है। स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा गूगल से देख के जो भी एग्जैक्ट होगा। तो ये भी भाई काफ़ी बढ़िया है, मतलब भाई A1 गाड़ी है। बस एक यार सनरूफ की इसमें कमी मेरे को लग रही है, सनरूफ की इसमें कमी लग रही है। प्रीमियम बना दी, सब कुछ दे दिया था, एक सनरूफ और हो जाती। चलो कोई नहीं भाई, सब कुछ लोग भाई सब कुछ नहीं मिलता गाड़ी में। बाकी भाई बाकी सारी चीज़ें तो देखो A1 है इस गाड़ी में, कोई इसमें शक की बात नहीं है भाई, काफ़ी बढ़िया लगी गाड़ी। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, इतनी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी, इतना भाई पावरफुल इंजन, फाइनली भाई एवरेज क्या मतलब क्या निकाल पाते हैं भाई? एवरेज लोकल में भाई चार पाँच इतनी रहती है। वही भाई मतलब रोज चलाने लायक नहीं है गाड़ी, मतलब डेली यूज के लायक तो नहीं है ये भाई। वही भाई शादी वगैरह में हाईवे पे क्रूज वगैरह लगा के चलाओगे ना, हाँ तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में 11-12 निकाल रहे भाई। वही है भाई, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। 2400 cc का इंजन, ऊपर से भाई हुंडई का पेट्रोल है, तो इसको पालना भाई आम बात नहीं है कोई। तो भाई यही था आज की उस वीडियो में, काफ़ी सारी हमने बातें जानी, इसकी मेरे हिसाब से पीछे भी डिस्क ब्रेक्स ही हैं। ये देखो भाई आगे पीछे भी इसके डिस्क हैं, आगे भी डिस्क ही हैं इसमें। तो भाई काफ़ी सारी हमने बातें जानी भाई हुंडई सोनाटा के बारे में, अपनी भाई हुंडई की तरफ से आने वाली प्रीमियम गाड़ी। तो भाई काफ़ी अच्छी गाड़ी लगी भाई सेकेंड हैंड मार्केट में, आज भी गाड़ी चल रही है, तो भाई बहुत सही रेट पर गाड़ी मिल रही है, तो भाई जाके ले सकते हो आप लोग भी। तो भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। भाई अगर गाड़ी की मैं ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करूँ ना, तो ये भी देखो वैसे तो भाई सेडान गाड़ियों की भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो यहाँ पर भाई देखो, ये देखो भाई बस इतनी ही है भाई, एग्जैक्ट जो होगी मैं स्क्रीन पे वो भी डाल दूंगा। व्हील बेस भी ज़्यादा है ना, तो इसलिए ज़्यादा टिकती है। बट वो है इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती होगी इस मामले में, स्टेबिलिटी और हैंडलिंग काफ़ी बड़ी हो जाती होगी भाई, चिपक के चलती है ग्राउंड से।